नमस्कार। दिन भर की तमाम खास खबरों को समेटकर हाजिर हैं हम न्यूज नाइट में। आज दिल्ली में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, वीर बाल दिवस, जहां खुद मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मौका था श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्रों साहेबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत को याद करना। प्रधानमंत्री इस मौके पर इतिहास और उसके नैरेटिव को लेकर उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही, जो आने वाले वक्त में बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। क्या कहा प्रधानमंत्री ने और आम लोग इसे कैसे समझें, हम जानने की कोशिश करेंगे विशेषज्ञों के साथ। दिन की दूसरी खबरों की बात करें तो कड़कड़ाती ठंड ने उत्तर भारत के साथ साथ पूर्वी और मध्य भारत को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। कैसे होंगे आने वाले कुछ दिन बताएंगे आपको, साथ में होगी कोविड और कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी। मैं हूं प्रकाश दास और शुरुआत हेडलाइंस के साथ। वीर बाल दिवस पर देश ने किया वीर साहेबजादों के बलिदान को याद। पीएम मोदी ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में कार्यक्रम में लिया हिस्सा। 300 बाल कीर्तनियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले शबद कीर्तन में हुए शामिल। निडर वीर साहेबजादों की वीरता और शौर्य को किया याद। 3000 बच्चों के मार्च पास्ट को किया रवाना। पीएम मोदी ने इतिहास के नाम पर गढ़े हुए नैरेटिव बताए और पढ़ाए जाने पर उठाए सवाल। कहा, हमारी परंपराओं ने इन गौरव गाथाओं को रखा जीवित। भारत को भविष्य में सफलता के शिखरों पर पहुंचाने के लिए अतीत के संकुचित नजरिए से आजाद होने पर दिया जोर। कहा, आजादी के अमृतकाल में देश ने गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का प्राण फूंका। तेलंगाना के दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया श्री शैलम मंदिर का दौरा। प्रसाद योजना के तहत पर्यटन सुविधा केंद्र का किया उद्घाटन। कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ। कोविड के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार की पूरी तैयारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ की बैठक। देश के तमाम एयरपोर्ट्स पर भी हो रही है यात्रियों की रैंडम जांच। कई राज्यों में विदेशों से आए यात्री पाए गए पॉजिटिव। कोविड की तैयारियों का जायजा लेने के लिए देश भर के अस्पतालों में कल होगी मॉक ड्रिल। नेपाल में गठित हुई नई सरकार। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नए प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने प्रचंड को 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 165 से ज्यादा सदस्यों का समर्थन। चीन ने 71 लड़ाकू विमानों के साथ ताइवान सीमा पर की स्ट्राइक डीप ड्रिल। 71 लड़ाकू विमानों में से 47 ने ताइवान के हवाई क्षेत्र को किया पार। ताइवान ने बीजिंग के इन हमलों को क्षेत्रीय शांति के लिए बताया घातक। अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर। देश के 20 करोड़ से ज्यादा लोग इसकी चपेट में। तापमान 0 से 42 डिग्री नीचे तक पहुंचा। सड़कों पर जमी बर्फ। अब तक 38 लोगों की मौत। कई शहरों की बिजली गुल। 4 दिन में 12,000 फ्लाइट्स कैंसिल। पहाड़ से लेकर मैदान तक ठंड ने दिखाए तेवर। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में गलन। चुरू में पारा 0 पर। मौसम विभाग ने मैदानी इलाकों में अगले 2 दिन तक शीतलहर का जताया अनुमान। कोहरे के कहर से ट्रेनों पर असर। 27 तारीख की रात से उत्तर भारत में होगा भीषण कोहरे का कहर। और अब बात करते हैं वीर बाल दिवस की। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अतीत के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त होकर आगे बढ़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने आज नई दिल्ली में श्री गुरु गोविंद सिंह, उनके पुत्रों साहेबजादा बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत की याद में वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में यह बात कही। उन्होंने कहा कि औरंगजेब की क्रूरता और भारत को बदलने के उनके इरादे के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह की दृढ़ता से वो खड़े रहे। उन्होंने बच्चों को प्रेरणा देने वाले भक्त प्रह्लाद, नचिकेता,
ध्रुव, लव कुश, बाल राम और बाल कृष्ण जैसे असंख्य उदाहरणों का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में वीर बाल दिवस के अवसर पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री लगभग 300 बाल कीर्तनियों द्वारा प्रस्तुत किए गए शब्द कीर्तन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आज आप जी ने छोटे साहिबजादिया बाबा जोरावर सिंह जी अते बाबा फतेह सिंह जी की लसानी शहादत नु समर्पित होके राष्ट्रीय दिवस वीर बाल दिवस के रूप विच मनाया है, इसलिए असी आप जी दा दिलों बहुत बहुत धन्यवाद करते हाँ। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। प्रधानमंत्री ने श्री गुरु गोबिंद सिंह के प्रकाश पर्व के दिन घोषणा करते हुए कहा था कि 26 दिसंबर को श्री गुरु गोबिंद सिंह के पुत्रों साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय आयु मायने नहीं रखती। याद दिलाता है कि 10 गुरुओं का योगदान क्या है। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि 10 गुरुओं का योगदान क्या है, देश के स्वाभिमान के लिए सिख परंपरा का बलिदान क्या है। वीर बाल दिवस हमें बताएगा कि भारत क्या है, भारत की पहचान क्या है। इतिहास के क्रूर कालखंड में दफन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे 9 साल के बाबा जोरावर सिंह जी और 7 साल के बाबा फतेह सिंह जी की शहादत देशभक्त की बड़ी मिसाल है। इन्हें इस्लाम धर्म कबूल न करने पर सरहिंद के वजीर ने दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। पीएम मोदी ने इस घटना का जिक्र करते हुए अंदर से हीन भावना पैदा करने वाले इतिहास के नाम पर गढ़े हुए नैरेटिव की आलोचना की। उन्होंने लोगों से अतीत के संकुचित नजरियों से भी आजाद होने की अपील की। दुर्भाग्य से हमें इतिहास के नाम पर वो गढ़े हुए नैरेटिव बताए और पढ़ाए जाते रहे जिनसे हमारे भीतर हीन भावना पैदा हो। बावजूद इसके हमारे समाज ने, हमारी परंपराओं ने इन गौरव गाथाओं को जीवंत रखा। अगर हमें भारत को भविष्य में सफलता के शिखरों तक ले जाना है तो हमें अतीत के संकुचित नजरियों से भी आजाद होना पड़ेगा। पीएम मोदी ने कहा कि किसी राष्ट्र की पहचान उसके आदर्शों, मूल्यों, सिद्धांतों से होती है। उन्होंने कहा कि इतिहास में देखा गया है कि किसी राष्ट्र के मूल्य बदल जाते हैं तो कुछ ही समय उसका भविष्य भी बदल जाता है। जब मूल्य सुरक्षित रहते हैं तब वर्तमान पीढ़ी के सामने अपने अतीत आदर्श स्पष्ट रहते हैं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री ने दिल्ली में लगभग 3000 बच्चों के मार्च पास्ट को रवाना किया, जिन्होंने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से कर्तव्य पथ तक वीर बाल दिवस के संदेश को प्रचारित किया। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ निशांत सौरभ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वीर बाल दिवस का उत्साह आज पूरे देश में देखा गया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों ने आयोजित अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत की। तो उज्जैन में सिख समुदाय द्वारा एक बाइक रैली का भी आयोजन किया गया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्होंने भी साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत को श्रद्धापूर्वक याद किया। देश भर में गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत को श्रद्धापूर्वक याद किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट में लिखा कि गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों ने छोटी उम्र में मातृभूमि व धर्म की रक्षा हेतु दुश्मनों का बहादुरी से सामना किया। उनकी शौर्य गाथा हमारी धरोहर है जिसका स्मरण कर मोदी सरकार वीर बाल दिवस मना रही है। साहिबजादों, माता गुजरी व गुरु गोविंद सिंह जी की वीरता व बलिदान को सादर नमन। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों ने आयोजित अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत की।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित आधिकारिक आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतिलिपि को विधि पूर्वक माथे से लगाया। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित नानकसर गुरुद्वारे में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आए। देश के इतिहास में हिंसा, क्रूरता और अन्याय के खिलाफ शहादत की इस घटना को राष्ट्रीय स्तर पर याद करने और कम उम्र में त्याग और बलिदान के उच्च मानकों को देश की युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के उद्देश्य से मौजूदा केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में याद करने का फैसला इसी साल जनवरी महीने में किया था। गुरु गोविंद सिंह जी साहब और उनके समस्त परिवार का जीवन जहां हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, वहीं गुरु साहब के चारों साहबजादों का बलिदान आज भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर विश्व का एक अनोखा इतिहास का अध्याय है। ऐसी शहादत विश्व के इतिहास में आज तक नहीं दी गई, उसी शहादत को प्रणाम करने के लिए अभी वीर बाल दिवस के रूप में पूरा सप्ताह मनाने का फैसला सरकार ने किया, मध्य प्रदेश से किया। साहबजादों का सर्वोच्च बलिदान यह शौर्य और साहस की घटना से प्रेरित करना है। वहीं दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एग्जाम वॉरियर पेंटिंग प्रतियोगिता कार्यक्रम के दौरान भी केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने ऐतिहासिक घटना को याद किया। वीर बाल दिवस उन दो बच्चों की कहानी है, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जिन दोनों ने देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को दीवार में चिनवा दिया। लेकिन जो क्रूर शासक थे उसके आगे घुटने नहीं टेके, जो इस देश पर आक्रमण करने वाले लोग थे उनके आगे उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं खोई। अपने देश प्रेम का ये बहुत बड़ा और ये धर्म के प्रति एक बहुत बड़ी संस्कृति को बचाने के लिए उनकी कोई शहादत थी। 17वीं शताब्दी में पंजाब के सरहिंद सूबे में मुगलिया बादशाह औरंगजेब के नवाब वजीर खान ने माता गुजरी और छोटे साहिब जादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को फतेहगढ़ साहिब की ठंडी मीनार में कैद कर दिया था और उसके बाद उन सबको दीवार में जिंदा दफन कर दिया था। सिख परंपरा में पौष मास महीने में उस दिन को याद करते हुए दुख के रूप में मनाया जाता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात कोरोना से जंग की। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 196 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि रिकवरी दर 98.8% पर है। वहीं दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर भारत सरकार पूरी तरह से सतर्क है। साथ ही कोविड की तैयारियों का जायजा लेने के लिए देश भर के अस्पतालों में मंगलवार को एक मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। देखिए पूरी रिपोर्ट। चीन, जापान समेत दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों पर लेकर भारत सरकार पूरी तरह से सतर्क है। केंद्र सरकार रोजाना कोरोना से बचाव के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी कर रही है। इसी कड़ी में सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ बैठक की। बैठक में देश में कोविड-19 की स्थिति और तैयारियों पर चर्चा हुई। कोविड की तैयारियों का जायजा लेने के लिए देश भर के अस्पतालों में मंगलवार को एक मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया भी मॉक ड्रिल के तहत अस्पताल में इसका हिस्सा बनेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर इस योजना को कार्यान्वित करने को कहा था। मॉक ड्रिल के दौरान अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और बेड्स की उपलब्धता की जाँच की जाएगी। चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या और उनका प्रबंधन, टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा, सैंपलों की जांच की गति बढ़ाने पर जोर देने को कहा गया है। इन सभी पहलुओं को मॉक ड्रिल में शामिल करने को कहा गया है। ड्रिल के दौरान देखा जाएगा कि जिला स्तर पर कितनी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, सामान्य बेड, आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, आईसीयू बेड, पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की भी जाँच होगी। साथ ही इमरजेंसी सर्विसेज, लाइफ सपोर्ट सर्विसेज, एम्बुलेंस, टेस्टिंग क्षमता का परीक्षण होगा। पीपीई किट,
N95 मास्क, मेडिकल ऑक्सीजन, दवाएं और टेलीमेडिसिन की सुविधाओं की उपलब्धता का भी परीक्षण होगा। डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर्स को अपने जिला के स्वास्थ्य सुविधाओं संबंधी आंकड़ों को 27 दिसंबर की शाम तक अपलोड करना है। राज्यों में भी कोविड से निपटने की तैयारी हो रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कोविड के मद्देनजर तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बीच उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में चीन से लौटा एक शख्स कोरोना से संक्रमित मिला है। आगरा के शाहगंज के रहने वाले इस शख्स का सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है, जिससे वेरियंट की जानकारी मिल सके। यूपी सरकार ने राज्य में कोरोना की स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क के साथ जाने की सलाह दी है। साथ ही अस्पताल परिसर में बिना मास्क के ना जाएं, ये भी अनिवार्य किया जा रहा है। सभी ऐसे विदेश यात्री से अपील करते हैं कि आएं तो अपनी टेस्टिंग अवश्य कराएं, कोविड को फैलने ना दें, और जीनोम टेस्टिंग हम कराएंगे। अगर पॉजिटिव आए और निगेटिव आए तो थोड़े दिन हम आइसोलेशन में रहने के बाद उनको सार्वजनिक स्थल पर जाने के लिए कहेंगे। सभी भीड़भाड़ वाले इलाकों में लोगों को मास्क के साथ जाने की सलाह दे रहे हैं। अभी हमने पाबंदी नहीं लगाई है, लेकिन अस्पताल परिसर में बगैर मास्क के न जाएं, ये हम मैंडेटरी करने जा रहे हैं। वहीं बिहार में गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 4 विदेशी पर्यटक कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। वो लोग म्यांमार और बैंकॉक से भारत आए हैं। रैंडम जांच जो गाइडलाइन के हिसाब से हो रहा है एयरपोर्ट पर, उसी में कुछ पॉजिटिव मिले हैं 4, और 4 भी हेल्दी हैं, कुछ सिम्टम नहीं है, कुछ नहीं है, सब ठीक है। कोलकाता हवाई अड्डे पर 2 कोविड पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि पॉजिटिव यात्रियों में से एक 24 दिसंबर को दुबई से आया था, जबकि दूसरा मलेशिया के कुआलालंपुर से आया था। दोनों नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एयरपोर्ट पर विदेशों से आ रहे लोगों की रैंडम सैंपलिंग करने को कहा था। इसके बाद से ही देश के तमाम एयरपोर्ट्स पर भी रैंडम चेकिंग शुरू हो गई है। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों का RT-PCR टेस्ट अनिवार्य किया गया है। पॉजिटिव रिपोर्ट या बुखार जैसे लक्षण मिलने पर उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। इस बीच देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग के तहत टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 220 करोड़ से भी अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 196 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 190 लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए हैं। देश में अभी सक्रिय मामलों की दर 0.01% है, जबकि रिकवरी दर 98.8% पर पहुंच चुकी है। देश में 10 ऐसे राज्य हैं जहां इस वक्त एक भी एक्टिव केस नहीं है। इनमें अंडमान एंड निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, असम, झारखंड, दादरा एंड नगर हवेली, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा हैं। नितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो कोरोना पर कड़ी नजर है, सरकार भी बेहद सतर्क है। फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, अब बने रहे हमारे साथ। समयोचित उपाय न किए जाएं तो शीतलहर से फसलों की तबाही और नुकसान हो सकता है। अत्याधिक ठंड और घने कोहरे की वजह से फसलों पर कीटों का हमला, फंगल रोग, शीत घाव और झुलसा रोग हो सकते हैं। मौसम विभाग की अग्रिम चेतावनी और कृषि परामर्श सेवा आपकी फसलों की सुरक्षा योजना बनाने में मददगार है। शीतलहर के दौरान सिंचाई हल्की रखें और खेत को गर्म रखने के लिए रात भर धुआं बनाएं। निम्न सुरंग तकनीक सुरक्षा प्रदान कर सकती है। पॉलिथीन शीट ढककर पौधों को ठंडी हवा से बचाएं। शीट पौधों को छूनी नहीं चाहिए। ढकने से पहले मिट्टी को गीला करने से श्रेष्ठ संरक्षण मिलेगा। दिन के समय पर्याप्त धूप मिले और मिट्टी को गर्म रखने के लिए खेतों को जंगली घास मुक्त रखें। अधिक सहायता के लिए किसान कॉल सेंटर का संपर्क करें और अपने स्मार्टफोन पर मेघदूत ऐप डाउनलोड करें। सतर्क रहें, फसलों को सुरक्षित रखें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। समाज में पूरी भागीदारी का सपना अब हो रहा है साकार। महिला सशक्तिकरण नीति रंग लाई, अगुआ बना बिहार। बिहार सरकार की ऐतिहासिक पहल से बिहार पुलिस बल में महिलाओं के हिस्सेदारी में देश का नंबर एक राज्य बन गया है। वर्तमान में बिहार पुलिस बल में 28,960 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल पुलिस बल का 28% है। आरक्षी से लेकर उपाधीक्षक पद पर कार्यरत महिलाएं देश और समाज की सेवा में लगी हैं। ये भागीदारी ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए 2013 से बिहार में पुलिस भर्ती में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी अब बदलेगी दुनिया सारी। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा जनहित में जारी। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy.
Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. ATM ट्रांजैक्शन असफल होने पर बैंक अगर एक निर्धारित समय अवधि के अंदर आपके खाते से डेबिट हुए पैसों का रिवर्स नहीं करता है तो आपको उनसे हर्जाना मिलने का प्रावधान है बैंक ने यदि इस तरह का मुआवजा आपको स्वतः ही नहीं दिया तो आप RBI के लोकपाल को कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS पोर्टल पर जाकर के शिकायत कर सकते हैं। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत, आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तेलंगाना के 5 दिन के दौरे पर आज तेलंगाना के श्रीशैलम पहुंची। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन, आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री मुग्धा राजेंद्र और अन्य अधिकारियों ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। बाद में राष्ट्रपति ने श्रीशैलम मंदिर का दौरा किया। ये मंदिर दक्षिण में भगवान शिव का बेहद प्रसिद्ध मंदिर है और इसे दक्षिण भारत का काशी माना जाता है। मंदिर के अधिकारियों ने राष्ट्रपति का भव्य स्वागत किया और राष्ट्रपति ने भगवान मल्लिकार्जुन स्वामी की विशेष पूजा की। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रसाद योजना के तहत पर्यटन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने श्रीशैलम मंदिर में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के अंतर्गत विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया। राष्ट्रपति श्रीशैलम में श्री शिवाजी स्मृति केंद्रम भी पहुंची। और हैदराबाद के हकीमपेट वायुसेना स्टेशन पहुंचने पर राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आज कांग्रेस फिर से एक अजीबोगरीब स्थिति की शिकार हो गई जो उनके विरोधाभास को ही दिखाता है। दरअसल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त दिल्ली में है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि तो अर्पित की, लेकिन कांग्रेस के एक नेता उनका अपमान करने की उन्होंने कोशिश की। विवाद तो खड़ा होना ही था, खासकर उन भारत रत्न वाजपेयी जी के लिए जिन्हें राजनीति में अजात शत्रु का दर्जा दिया जाता है। जिस अटल बिहारी वाजपेयी को राजनीति का अजात शत्रु कहा जाता है, जिनकी प्रशंसा में न जाने कितने ही कांग्रेसी नेताओं की पंक्तियां खत्म नहीं होती, उन्हीं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कोऑर्डिनेटर गौरव पांधी ने 25 दिसंबर को एक अपमानजनक, आधारहीन और विवादित ट्वीट किया, जिसके बाद भाजपा ने पलटवार कर पांधी को माफी मांगने के लिए कहा। हालांकि बढ़ते दबाव में पांधी ने सोमवार को ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई है और निष्कासित करने की मांग की गई है। केवल ट्वीट डिलीट करने से ये बात समाप्त नहीं होगी। यदि कांग्रेस पार्टी सच में वाजपेयी जी का सम्मान करती है तो कांग्रेस पार्टी को कार्रवाई सुनिश्चित करानी होगी और स्पष्ट तरीके से अपनी भूमिका रखनी होगी कि हम माफी मांगते हैं और गौरव पांडे के जो विचार है वो कांग्रेस पार्टी के विचार नहीं है। अन्यथा ऐसा समझा जाएगा और लाजमी है समझना कि शब्द पांडे के, सोच राहुल गांधी की। अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता द्वारा अपमानजनक ट्वीट को भाजपा गांधी परिवार का प्रयोग बता रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार सुबह अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल सदैव अटल पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। भाजपा ने इसे कांग्रेस का दोहरा मानदंड करार दिया है। एक तरफ तो आप नाटक करते हैं, आप श्रद्धांजलि देने सदैव अटल पर जाते हैं, दूसरी तरफ आप ही के नेता ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। यह दिखाता है कि अंदर से कितना जहर है और ऊपर से क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का राजनीतिक कद ऐसा है, उनकी विचारधारा इतनी अटल और अडिग है कि उसको
आपको सम्मान देना होगा, तो इस मजबूरी में राहुल गांधी वहां जाते हैं। वहीं चीन पाकिस्तान पर राहुल गांधी के बयान पर फिर भाजपा ने पलटवार किया है। दरअसल राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूर्व सैन्य कर्मियों से बातचीत के दौरान भारत को कमजोर स्थिति में बताया और कहा कि यदि कोई युद्ध होगा तो पाकिस्तान और चीन एक साथ होंगे और दोनों देशों से युद्ध की संभावना जताई थी। इस बातचीत का वीडियो भी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर 24 घंटे पहले शेयर किया गया है। राहुल जी, कांग्रेस पार्टी की चिंता करें, देश की चिंता नरेंद्र मोदी जी पर छोड़ दें, और राहुल जी आप जैसे लोग ही भारतीय सेना पर बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक और डोकलाम पे मुंहतोड़ जवाब पे। आखिरकार भारतीय सेना की बार बार मनोबल गिराने का, भारतीय सेना को अपमानित करने का कांग्रेस पार्टी ने क्या ठेका ले रखा है? भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजियों की जंग कोई नई नहीं है, लेकिन वीर सावरकर हो या वाजपेयी, मुद्दा सर्जिकल स्ट्राइक का रहा हो या भारत चीन सीमा पर तनाव का, कांग्रेस अपने नेताओं के बयानों को लेकर हमेशा विवादों में ही रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब अगर मौसम की बात करें, ठंड की बात करें, तो आखिर क्या रिपोर्ट है? वहीं दिल्ली, यूपी और बिहार समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। दिल्ली एनसीआर में चल रही शीतलहर लोगों को अस्त व्यस्त कर रही है, तो पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में पारा लगातार गिर रहा है और दिल्ली में तो ये 4-5 डिग्री तक पहुंच गया है। इस बीच मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली में और ठंड बढ़ने की चेतावनी दी है। देखिए रिपोर्ट। देश के उत्तर भारत के राज्यों में शीत लहर का प्रकोप जारी है। गिरते तापमान के साथ ही उत्तर भारत में ठंड तेजी से बढ़ती जा रही है, वहीं कोहरे का कहर भी घना होता जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में पारा लगातार नीचे बना हुआ है, जिसका असर उत्तर भारत के राज्य और राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। यहां तक कि मौसम विभाग ने ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कई राज्यों में अगले 1-2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। फोगी कंडीशंस आल्सो देयर ओवर पंजाब, हरियाणा, स्पेसिफिकली नॉर्थ राजस्थान सेम एरिया, एंड दिस वी आर एक्सपेक्टिंग इट शुड डिक्रीज फ्रॉम टुमारो। इट विल प्रिवेल टुडे नाइट एंड टुमारो मॉर्निंग्स। लास्ट 3-4 डेज वी आर गिविंग द रेड अलर्ट्स फॉर पंजाब एंड हरियाणा, नाउ वी हैव रिड्यूस्ड टू ऑरेंज कलर, ऑरेंज अलर्ट्स। We will experience fog at isolated pockets. As a result, cold day conditions will be mainly today only, and slightly for tomorrow. पंजाब में भी कड़ाके की ठंड का सिलसिला जारी है। अमृतसर में सुबह घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम रही, जिसके कारण हवाई, रेल और सड़क यातायात प्रभावित हुए हैं। इसका एक बड़ा कारण है न्यूनतम तापमान में गिरावट। विशेषकर दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अधिक अंतर न होने की वजह से पंजाब में ठिठुरन बढ़ी है। हरियाणा के भी कई जिलों में घना कोहरा और शीतलहर का कहर जारी है। हरियाणा में रविवार को सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। मध्य प्रदेश में ठंड का कहर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार शहडोल, रीवा, इंदौर, ग्वालियर और चंबल संभागों में न्यूनतम तापमान अपेक्षाकृत ज्यादा ठंडा रहने वाला है। भी जो पश्चिमी विक्षोभ आया हुआ था और उसकी वजह से जो बर्फबारी हुई और पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल गया है, तो इसकी वजह से जो है मध्य प्रदेश में जो है उत्तरी हवाएं आना शुरू हो गई हैं, तो इसकी वजह से जो है तापमान जो है पूरे मध्य प्रदेश में गिरे हैं और आगामी दिनों में भी जो है अभी 1-2 दिन तो थोड़े टेम्परेचर डाउन होंगे। राजस्थान की बात करें तो गर्मियों में 50 डिग्री तक के तापमान का सितम झेलने वाले राजस्थान के सीकर स्थित फतेहपुर में पारा 0 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार चुरू में सोमवार सुबह न्यूनतम तापमान 0 दर्ज किया गया। वहीं राज्य के पहाड़ी क्षेत्र माउंट आबू में तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के कई जिलों में पश्चिमी विक्षोभ होने से उत्तरी हवाएं मैदानी इलाकों में पहुंचने लगेंगी। वहीं उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में जारी कड़ाके की ठंड से उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं है। पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी से मैदानी क्षेत्र भी सर्द हवाएं झेल रहे हैं। मेरठ में ठंड के कारण आम जनजीवन प्रभावित दिखा, तो कोहरे ने यूपी के कई जिलों में
अपना असर दिखाया। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। गलन के साथ दिल्ली में ठंड और कोहरा बरकरार है। ठंड को लेकर सोमवार को दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली में पारा 4 से 5 डिग्री तक लुढ़कने लगा है, जिसके अभी कुछ दिन और जारी रहने की आशंका है। उत्तर भारत में ठंड और घने कोहरे का असर रेल सेवाओं में भी देखने को मिला है। सोमवार को भारतीय रेलवे की ओर से 318 ट्रेनों को निरस्त किया गया और 284 ट्रेनों को पूरी तरह से और 34 ट्रेनों को आंशिक रूप से निरस्त किया गया। इसके अलावा 20 ट्रेनों को रिशेड्यूल्ड और 24 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। रद्द की गई ट्रेनों में महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु, झारखंड, गुजरात और अन्य राज्यों में चलने वाली गाड़ियां हैं, तो वहीं बड़ी संख्या में ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड ने परेशानियां पैदा की हैं। अमेरिका और कनाडा में जारी कड़ाके की ठंड कहर बरपा रही है। जानकारी के अनुसार आर्कटिक के एक शक्तिशाली शीतकालीन तूफान की चेतावनी ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। शीतकालीन तूफान की चेतावनी उत्तरी तटीय इलाकों से लेकर दक्षिणी तटीय इलाकों और अमेरिका मैक्सिको सीमा के साथ ही फ्लोरिडा के लिए भी चिंता का सबब बनी हुई है। क्या है हालात, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। पिछले 2 दिनों से बर्फीले तूफान के रूप में प्रकृति ने ऐसी तबाही मचाई मानो पूरा अमेरिका ठहर सा गया। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर ने पूरे देश को अपनी आगोश में ले लिया, वो भी तब जब दुनिया क्रिसमस की खुशियां मना रही थी। आसमान से होती आफत की बर्फीली बारिश ने बफेलो और न्यूयॉर्क में भारी तबाही मचा दी। बाम तूफान का ऐसा कहर अमेरिका ने शायद ही कभी देखा था। बाम साइक्लोन ने अमेरिका के 60% आबादी को असहाय सा बना दिया। बर्फीले तूफान के कहर से अब तक कम से कम 38 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। वर्मोंट, ओहायो, मिसौरी, विस्कॉन्सिन, कंसास और कोलोराडो में भी तूफान से कई लोगों की मौत होने की खबर है। प्रशासन के अनुसार कई लोग ऐसे हैं जो तूफान के दौरान अपनी गाड़ियों में ही फंसे रहे, जिससे हताहतों की संख्या में और बढ़ोतरी होने की आशंका है। न्यूयॉर्क गवर्नर कैथी होचुल ने आपदा को इतिहास में सबसे विनाशकारी तूफान करार दिया है। मैं यह नहीं कह सकती कि हालात अभी भी कितने खतरनाक हैं। लोगों को सड़कों से दूर रहने की जरूरत है। क्रिसमस के मौके पर बरसा कुदरत का कहर कितनी मुश्किलें लेकर आया है, ये मुझे मालूम है। आप कुछ दिन पहले ही महामारी से उभरे हैं, यह दिल तोड़ने वाला है। लेकिन आपको सुरक्षित रखने के लिए और उन सभी को जो अपने घरों की सुरक्षा छोड़कर आपको सुरक्षित रखने में मदद करने के लिए आए हैं, हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। कुछ लोग कारों में मृत पाए गए थे, जबकि कुछ लोग बर्फीले तूफान में फंसकर जाने गवा दी। मैं पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। हम जानते हैं कि कई लोग हैं जो 2 दिन से कारों में फंसे हुए हैं। कई जगह अभी भी तापमान 0 से नीचे है। ड्राइविंग प्रतिबंध अभी भी प्रभाव में है। बहरहाल बॉम्ब तूफान का असर उत्तरी अमेरिका में कनाडा से लेकर सुदूर दक्षिण में अमेरिकी प्रांत टेक्सास तक देखा जा रहा है। अधिकतर राज्यों में खतरनाक तरीके से हो रही बर्फबारी से लाखों लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। बॉम्ब साइक्लोन। वहीं ताइवान की बात करें तो ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को यह बताया कि बीते 24 घंटों में चीन के 43 लड़ाकू विमानों ने ताइवानी समुद्री क्षेत्र का उल्लंघन किया है। इसके साथ ही इस युद्धाभ्यास में कुल 71 चीनी विमान इस्तेमाल किए गए। इन विमानों ने ताइवान की खाड़ी को 2 हिस्सों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा मीडियन लाइन को पार किया। चीन ने इस घटना पर कहा है कि उसने बीते रविवार ताइवान के आसपास समुद्री और हवाई क्षेत्र में स्ट्राइक ड्रिल्स आयोजित की है। चीन ने यह भी बताया है कि इस अभ्यास को ताइवान और अमेरिका की ओर से भड़काऊ कदमों की वजह से अंजाम दिया गया है। चीन ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है, वहीं ताइवान चीन के इस दावे को खारिज करता है। ताइवान ने कहा कि इन ड्रिल्स ने यह दिखाया है कि चीन क्षेत्रीय शांति भंग करके ताइवानी जनता को डराने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं पाकिस्तान की बात करें तो इस्लामाबाद के मैरियट होटल पर हमले का खतरा मंडरा रहा है। इस्लामाबाद में अमेरिका के दूतावास ने हमले की आशंका को लेकर चिंता जताते हुए रविवार को अलर्ट जारी किया। इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास ने अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किए गए अलर्ट में अपने कर्मचारियों को कहा कि वे मैरियट होटल न जाएं।
कहा गया कि अमेरिकी कर्मचारी सतर्कता बरतें, भीड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। अमेरिका के दूतावास ने यह कहा है कि उसे जानकारी मिले है कि आशंका जताई गई है कि कुछ आतंकी इस्लामाबाद के मैरियट होटल में अमेरिकियों पर हमला करने की साजिश रच रहे हैं। दूतावास ने सभी मिशन कर्मियों से छुट्टियों के मौसम में इस्लामाबाद की गैर जरूरी अनौपचारिक यात्रा से परहेज करने का आग्रह किया। और नेपाल की ओर रुख करते हैं। पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार पद और गोपनीयता की शपथ ली। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने सोमवार शाम 4 बजे उनको पीएम पद की शपथ दिलाई। इससे पहले रविवार को सीपीएन माओइस्ट सेंटर के अध्यक्ष प्रचंड ने सदन के 169 सदस्यों का समर्थन पत्र राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को सौंपा था, जिसके बाद राष्ट्रपति ने उनको नेपाल को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। भारी बहुमत से प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बावजूद प्रचंड को नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 76(4) के मुताबिक 30 दिन के भीतर निचले सदन में विश्वास मत साबित करना होगा। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉनस्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़े। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes, funding that inspires, funding that transforms. For sustainability and reliability, for investment and development, adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. तीन महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आज एक बेहद ऐतिहासिक दिन है। आज दिल्ली में एक समारोह हुआ जिसमें वीर बाल दिवस मनाया गया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहेबजादे, उनकी शहादत, उनके बलिदान को याद किया गया और इस मौके पर प्रधानमंत्री खुद मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारा इतिहास ऐसा होना चाहिए जो आत्मविश्वास से भरा हो, लेकिन हमें गढ़े हुए इतिहास बताए गए, पढ़ाए गए और वो एक तरह की हीन भावना का कारण रहा। और उन्होंने ये भी कहा कि अब वक्त है अमृतकाल में इन तमाम गलतियों को सुधारने का। क्या आखिर इसका मतलब है? इसी पर हम आज विशेष बातचीत करेंगे। और हमारा विशेष कहता है अमृतकाल, नया भारत सुधार रहा है इतिहास की भूलों को। तो जो गलतियां हुई, जो नैरेटिव बदले गए, उसको लेकर अब वक्त है कि जब देश अमृतकाल में है तो उन गलतियों से सीखा जाए और उसे सुधारा जाए, ताकि आज का युवा प्रेरणा ले सके हमारे उन बलिदानियों से। हमारे साथ दो बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए हैं इस पूरी चर्चा में। हमारे साथ जाने माने इतिहासकार और लेखक प्रोफेसर मक्खन लाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जगदीश उपासने साहब हैं, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और प्रोफेसर मक्खन लाल, मैं सबसे पहले यही समझना चाहूंगा, प्रधानमंत्री ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उसका मतलब हमारे दर्शकों के लिए बताया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह दुर्भाग्य रहा है कि हमें इतिहास के नाम पर गढ़े हुए नैरेटिव बताए गए, पढ़ाए गए। क्या होते हैं ये गढ़े हुए नैरेटिव और किस तरह से उसने हमारे देश पे असर डाला है? पिछले 8 वर्षों से पहली बार सबसे देश के सबसे बड़े स्तर से
इतिहास लेखन की बात की जा रही है और बिल्कुल सटीक शब्द का इस्तेमाल किया गढ़े हुए नैरेटिव के, मुझ जैसे इतिहासकार के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि जब से इतिहास पढ़ना शुरू किया तब से ये गढ़ा नैरेटिव पढ़े, बार बार उस पर चिंता हुई, बातचीत हुई। आप कह रहे थे गढ़ा नैरेटिव क्या होता है, इसको जरा बताएं। आपको बताएं कि अब तक जो इतिहास लेखन हुआ, चाहे अंग्रेजों ने किया या आजादी के बाद लोगों ने किया, उसमें तीन चार चीजें गढ़ी गई। एक ये कि भारत का जो स्वर्णिम काल है, शौर्य काल है, शौर्य की बातें हैं, उसको न बताया जाए, उसे छिपाया जाए। भारत की जो गौरवशाली परंपरा है उसको पूरी तौर पे नकार दिया जाए। जो भी भारत की वीरता है, भारत का बलिदान है, उसे भी छिपाया जाए, क्योंकि 1947 के बाद या उससे पहले भी एक विशेष पार्टी बराबर कहती रहती है कि आजादी की लड़ाई सिर्फ हमने लड़ी, सारा बलिदान हमने दिया। और कभी कभी वो कहते हैं दूसरों का कुत्ता भी मरा क्या, तो बताएं। प्रश्न ये उठता है कि गुरु अर्जुन देव, गुरु सिख गुरु और साहेब जादों ने बलिदान किसके लिए किया, देश की आजादी के लिए, गुलामी करने के लिए। और एक नैरेटिव और भी गढ़ा जाता है कि भारत के लोगों में, हिंदू सिख में, देश को संभालने के लिए, देश को आजाद रखने के लिए, देश के लिए लड़ाई लड़ने के लिए ताकत नहीं थी। वो कभी नहीं बता पाते कि प्रोफेट मोहम्मद की डेथ 632 ईस्वी में होती है और 750 एडी में, 750 ईस्वी में, मात्र 118 वर्षों में एक छोटे से पेनिनसुला, एक छोटे से पठारी क्षेत्र से इस्लाम पूरे सेंट्रल एशिया में चला जाता है, ईस्टर्न अफ्रीका में चला जाता है, आधा यूरोप कब्जा कर लेता है उस छोटे से पहाड़ी देश में 118 दिन। लेकिन भारत ने आकर राज्य स्थापित करने में उसे 500 साल लग गए। 500 साल वो गांधार की सीमा, आज वो अफगानिस्तान कह लीजिए, लेकिन 500 साल पहले वो गांधार की सीमा पर ही रुके रहे, जो कि भारत के वीरों ने, भारत के जवानों ने वहीं रखा 500 साल। ये बात आपको कहीं नहीं पढ़ाई जाएगी, ठीक है। और एक एक, एक लाइन और देंगे आपको। इतिहास में, इतिहास बड़े इतिहासकारों में, विल ड्यूरा से बड़ा इतिहासकार कोई नहीं हुआ जिन्होंने 11 वॉल्यूम में हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन लिखा। उन्होंने एक किताब लिखी थी केस फॉर इंडिया 1930 में। वो अपने वॉल्यूम 3 जो हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन है, ओरिएंटल सिविलाइजेशन में लिखते हैं, मुस्लिम पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज द ब्लडीएस्ट हिस्ट्री इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, ब्लडीएस्ट। और उस दरमियान 1200 से 1700 के बीच में 80 मिलियन 8 करोड़ भारतीयों का, सिखों का, हिंदुओं का वध हुआ है। उसी तरह से जैसे अंग्रेजों के समय में 35 मिलियन 3.5 करोड़ लोगों का वध हुआ, किसी इतिहास की किताब में आपको नहीं मिलेगा। ये नैरेटिव गढ़े गए, गढ़े सिर्फ इसलिए गए कि आजादी की लड़ाई हम ही अकेले ने लड़ी, तो गुरु ने, गुरुओं ने बलिदान किसके लिए दिया, चंद्रशेखर ने बलिदान किसके लिए दिया, भगत सिंह ने बलिदान किसके लिए दिया। सब कहते हैं 1035 दिन नेहरू जेल में रहे, 10 साल लगभग। अरे 12 साल क्या सावरकर अपने द्वारा बनाए गए जेल में थे, ठीक है, वो भी तो किसी की जेल में ही थे। जी, ये नैरेटिव जो बात कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वो इस तरह की नैरेटिव है। एक और इसी से जुड़ा सवाल, प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि इस तरह के इतिहास से एक तरह की हीन भावना ने जन्म लिया, क्या कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी सरकार इस तरह की डेलिबरेट यानी जानबूझकर कोशिश कर सकती है कि देश के इतिहास को पढ़ के हीन भावना पैदा हो? क्या आपको लगता है इस तरह की डेलिबरेट जानबूझकर कोशिश की गई? क्या ये जानबूझकर कोशिश की गई और इसकी शुरुआत अंग्रेजों ने किया, उनका एजेंडा मैं समझ सकता हूं, उनको इस देश के ऊपर शासन करना था, लिहाजा ये बताना था कि इस देश के निवासी, इस देश के वासी सब हीन हैं, किसी लायक नहीं है। दुर्भाग्य यह है कि पंडित नेहरू जब
लिखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो उसी लाइन पे चलते हैं और वो सब कुछ करते हैं जिससे भारतीयों का मन अपने प्रतिहीन भावना से भरा रहे, और ये कंटिन्यू रखा गया क्योंकि उसमें तमाम लोगों के राजनीतिक हित संगहित थे। हम ही आपको बढ़ा सकते हैं, हम ही आपको लीड कर सकते हैं, आपके अंदर तो कोई सलाहियत नहीं है, आपके अंदर कोई दिमाग नहीं है। आज भी आप ये सोचिए कि 2022 में कोई लीडर ये कहे कि आजादी की पूरी लड़ाई हमने लड़ी, आपका तो कोई कुत्ता भी नहीं मरा। अरे भगत सिंह नहीं मरे, चंद्रशेखर नहीं मरे, राजगुरु नहीं मरे, क्या बात करते हैं लोग, किस ये नैरेटिव की तरफ प्रधानमंत्री इंगित कर रहे हैं। और ये इतिहासकारों का कर्तव्य है कि इस चीज को कम से कम अब तो इस नैरेटिव को ठीक करें। ठीक है जगदीश उपासने साहब, एक प्रमुख बात इतिहास लेखन की बात काफी पहले से होती रही है और जो गलतियां हुई उसको सुधारने की बात काफी पहले से होती रही है, लेकिन क्या यह संभव है कि इतिहास में जो हुआ उसके भूल सुधार किया जाए? इतिहास तो हो चुका, इतिहास तो बीत चुका, फिर क्या इसका मतलब है? देखिए इतिहास हो चुका तो इतिहास सही पढ़ाया जाना चाहिए, सही इतिहास बताया जाने। दुनिया में भारत के अलावा बहुत ही कम देश ऐसे होंगे जिन्होंने अपने गौरवशाली इतिहास को छुपा लिया, दबा दिया, राजनीतिक हितों के लिए दबा दिया। ऐसा भारत में हुआ और हाल के इतिहास तक क्रांतिकारियों के बलिदान कौन लोग, कितने लोग खुदीराम बोस को जानते हैं, कितने बच्चों को, कितने युवाओं को मालूम है कि आज वीर कुंवर सिंह का बलिदान दिवस है, आज जो है शहीद उधम सिंह का बलिदान जन्म दिवस है, और जिन्होंने जलियांवाला बाग कांड का बदला लिया था वहां इंग्लैंड में जाकर, कितने लोगों को मालूम है कि ये हेमू कालानी की जन्म शती की शुरुआत है। ये किसको बताएंगे आप? तो प्रधानमंत्री इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि इससे हीन भावना आती है, लोगों में ये हीन भावना इसीलिए आई है कि हमने इतिहास ही नहीं पढ़ाया, सही गलत की तो बात ही नहीं, जो हुआ है वो भी हमने नहीं बताया, वो भी छुपा लिया, जानबूझकर छुपा लिया, ये दिखाने के लिए सिर्फ हम ही हैं जिन्होंने इस देश को आजाद किया, बाकी लोगों की इसमें कोई भूमिका नहीं है। 16 साल का खुदीराम बोस था और गुरु दशम गुरु साहिब के चारों बच्चे 19 साल की उम्र से पहले उन्होंने बलिदान दे दिया इस देश के लिए, धर्म के लिए, अपनी संस्कृति बचाने के लिए। ये किसको मालूम है? अपने लोग, उनके सिखों में ये बात गिनी जाती है, उनके यहाँ अरदास की जाती है, पढ़ा जाता है, लेकिन बाकी समाज को ये मालूम नहीं है। समाज में इसीलिए हीन भावना आती है। इस भारत में कितना बड़ा गौरवशाली इतिहास है, हम 10,000 साल की संस्कृति की बात करते हैं, 7,000 साल की संस्कृति के तो आपको प्रमाण मिल रहे हैं हरियाणा और इधर उधर तमाम जगहों पर, तो उस इतिहास को आपने बताया क्यों नहीं भाई? अब सही गलत की बात नहीं, जो हुआ है वो बताना चाहिए, जो हुआ वो नहीं बताएंगे तो देश में हीन भावना आएगी। और ये बहुत अच्छा प्रयास है मोदी सरकार का कि वीर बाल दिवस के रूप में 26 दिसंबर को उन्होंने शुरुआत की है, लोगों को इससे अपने अतीत की तरफ झांकने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही आदिम जनजातियों के नायकों को अमृतकाल में याद किया जा रहा है और जगह जगह हर प्रांत में लोग गौरव से उनका नाम याद कर रहे हैं। जी जगदीश जी, आप ये कह रहे हैं और मक्खनलाल जी भी यही कह रहे हैं कि एक पार्टी सारा श्रेय लेना चाहती है आजादी के आंदोलन का, निश्चित तौर पर इशारा सीधे तौर पर कांग्रेस की तरफ है, लेकिन कांग्रेस का इतिहास तो 1885 से शुरू होता है, उसके इस काल में 1885 से 1947 तक के पीरियड को, काल को, आजादी के आंदोलन को तो मैनिपुलेट करने की बात समझ में आती है, लेकिन उसके पहले जो हमारे योद्धा हुए, बलिदान हुए, तमाम गुरु रहे हमारे और भी तमाम जो जनजातीय योद्धा रहे, उनके इतिहास से मैनिपुलेशन या उनको बताना नहीं बताना, ये कैसे राजनीतिक फायदा दे सकती है? देखिए देखिए, जो अंग्रेजों, प्रोफेसर मक्खनलाल जी ने बहुत सही बात कही कि जो अंग्रेजों ने परंपरा चलाई, देखिए 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में वीर कुंवर सिंह बलिदान हुए, उन्होंने एक बड़ा एरिया आजाद करा लिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था उसके खिलाफ 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो जो अंग्रेजों ने परंपरा चलाई बाद के हमारे शासकों ने उसको इसीलिए जारी रखा, अंग्रेजों ने भी इसीलिए यह समाप्त किया, उन्होंने सिर्फ हमारी वीरता, हमारी बहादुरी, हमारे लोगों के बलिदान को ही नहीं नष्ट किया, उनको भुला देने का प्रयत्न किया, बल्कि उन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी धरोहर, हमारे सांस्कृतिक मूल्य, हमारे सांस्कृतिक चिन्ह, आर्किटेक्चर, हर चीज को नष्ट किया।
चर्चिल तो ये कहते थे कि भारतीय मरने के लायक है, पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसका बयान है जब बंगाल में अकाल पड़ा था। तो ये जो परंपरा है, इस परंपरा को आजादी के बाद बदलने की जरूरत थी। अब अमृत काल में मोदी सरकार इसको बदल रही है, उसी परंपरा को बाद के शासकों ने जारी रखा। तो राजनीतिक मोटिव अंग्रेजों का भी था और उसके बाद आए जो शासक थे उनका भी राजनीतिक मोटिव था, और इसीलिए उन्होंने अपने आप को ही आजादी का, स्वतंत्रता का और सबसे बड़ा सेनानी घोषित किया। और अभी भी उनके नेता कहते हैं कि बहुत शर्मनाक बात है, आप उन सब बच्चों और युवाओं को और उन तमाम बलिदानियों के बलिदानों पर पानी फेर रहे हैं और अपनी इस पीढ़ी को हीन भावना से ग्रस्त कर रहे हैं। मोदी सरकार ने इसको तोड़ने का काम किया है। मैं समझा, आज देखिए कितना सारे देश भर में सिखों में क्या आनंद की लहर है कि चारों साहिबजादों के बलिदानों को आप याद कर रहे हैं। किसको मालूम था, लोग कुछ ही लोग उसको उनको याद करते हैं। आप उन कुंवर सिंह को याद कर रहे हैं, आप वीर उधम सिंह को याद कर रहे हैं। अरे आप तो मतलब अभी हाल तक आजादी मिलने के पहले तक जो शहीद हुए उनको तक याद करने से कतराते रहे हैं। आजादी के आंदोलन में जिनका मत कांग्रेस के नेताओं को भी आपने भुला दिया, सरदार पटेल जैसे अनेक नेता हैं जिनको कांग्रेस में भुला दिया गया। तो ये मैनिपुलेशन और ये पर्पसफुली इंटेंशनली एक नैरेटिव गढ़ा गया जिसकी तरफ प्रधानमंत्री ने इशारा किया है। ठीक है, अंग्रेजों ने जो परंपरा चलाई वही आगे बढ़ाई गई। ठीक है, प्रोफेसर मक्खनलाल, किस तरह से इसको समझा जाए, अगर मैनिपुलेटेड या कहें कि बदले हुए तथ्य या फिर एक नैरेटिव के साथ इतिहास लिखा गया, उसका क्या, अगर एक राजनीतिक दल ने, शासकों ने उसको आगे बढ़ाया तो उसका क्या राजनीतिक फायदा आपको लगता है हुआ है उनको? देखिए हम आते हैं, एक मिनट मुझे दीजिए, आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न उठाया था और उसी के लिए मैंने कई बार हाथ उठाया कि दिया जाए। उपासना जी ने बहुत सब कुछ समेट दिया। एक चीज आपने कहा कि इतिहास तो हो गया, घटित हो गया, उससे कैसे ठीक किया जा सकता है। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कह सकता हूं, इतिहास हो गया, घटित हो गया, इतिहास को नहीं ठीक करना है हमें, हमें इतिहास लेखन को ठीक करना है। इतिहास जो हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, वो अपनी जगह पे है, लेकिन हमारा जो इतिहास लेखन है वो इतिहास में घटित घटनाओं के प्रति बिल्कुल ईमानदार होना चाहिए। मेरा यही, इसीलिए मैं कहता हूं इतिहास को नहीं ठीक करना है, इतिहास लेखन को ठीक करना है। दूसरी बात आपने कहा कि उससे क्या फायदा होता है। आप अगर विश्व का इतिहास देखिए, जो शासक वर्ग है, ठीक है, वो हमेशा चाहता है कि सब कुछ उसकी शान में कसीदे कहे जाएं। और ये आप चाहे थर्ड राइक ले लीजिए, समय बहुत थोड़ा है, माफ करेंगे, थोड़ा समय है बस, बस एक लाइन में, हमेशा जो शासक वर्ग है वो इतिहास के माध्यम से अपने को जस्टिफाई करना चाहता है, उसमें चाहे इतिहास का गला भी घुट जाए, गला घोट दिया जाए, उसको कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ इतना दिखाना चाहता है क्या हम उस चलती हुई परंपरा इतिहास के भागीदार हैं, इतिहास उस चक्कर में पूरी तौर पे मार दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मक्खनलाल और जगदीश उपासने जी हमारे साथ इन तमाम गंभीर बातों पे चर्चा के लिए। निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण विषय और प्रधानमंत्री ने इस तरफ इशारा किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहां पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। अगर आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान, सावधान। 2 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हमने फसल बीमा योजना के अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल, निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान।
आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल, निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अपने भोपाल प्रवास के दौरान वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे। भोपाल की बड़ी झील पर स्थित वाटर स्पोर्ट्स अकादमी पर प्रदेश के खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया और खिलाड़ियों ने उनका स्वागत किया। मध्य प्रदेश की वाटर स्पोर्ट्स अकादमी में प्रशिक्षण हासिल कर रहे खिलाड़ियों के साथ केंद्रीय खेल मंत्री ने संवाद किया और उन्हें खेल प्रतियोगिताओं में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया। गौरतलब है कि कायकिंग और केनोइंग में मध्य प्रदेश पूरे देश में खास मुकाम रखता है। नौकायन को लेकर राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की हैं। आयोजन इस बार मध्य प्रदेश को मिला है, एक ऐसा राज्य जिसने खेलों की दृष्टि से शानदार काम किया है। खेलों का आधारभूत ढांचा बहुत अच्छा बनाया है, खिलाड़ियों को बहुत सुविधाएं दी हैं। आज मैं वाटर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी देखने गया तो बहुत अद्भुत काम किया है यशोधरा जी ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने, और मैं तो बधाई देना चाहता हूं जिस तरह के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन्होंने बनाने का काम किया है। अगर हर राज्य उस दिशा में काम करेगा तो भारत को दुनिया के खेलों के क्षेत्र में महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और साथ ही केंद्रीय खेल मंत्री ने भोपाल में आयोजित हुई राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप के अंतिम दिन टीटी नगर स्टेडियम पहुंचकर खिलाड़ियों से मुलाकात की और इस मौके पर खेल मंत्री ने विजेता मुक्केबाजों को पुरस्कार भी प्रदान किया और इस अवसर पर खेल मंत्री ने खिलाड़ियों से मुलाकात भी की और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ टेलीफोन पर बातचीत की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने G20 में भारत की अध्यक्षता के लिए अपनी शुभकामनाएं दी और प्रधानमंत्री ने खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विकासशील देशों की चिंताओं को आवाज देने सहित भारत की G20 अध्यक्षता की मुख्य प्राथमिकताओं के बारे में बताया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे भारतीय छात्रों की शिक्षा जारी रखने की व्यवस्था करें जिन्हें इस साल के शुरू में यूक्रेन से वापस आना पड़ा था। दोनों नेताओं ने यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के बारे में भी विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने फिर दोहराया कि दोनों पक्षों को अपने मतभेदों का स्थायी समाधान खोजने के लिए बातचीत और कूटनीति पर वापस लौटना चाहिए। प्रधानमंत्री ने किसी भी शांति प्रयासों को भारत का समर्थन फिर से दोहराया और युद्ध प्रभावित लोगों के लिए मानवीय सहायता की भारत की प्रतिबद्धता पर भरोसा दिया। उसी के साथ न्यूज़ नाइट के आज के संक्षिप्त में इतना ही। नमस्कार।